हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के ख़त्म होने के बाद ये वीडियो आपके लिए भी उतना ही ज़्यादा खास हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी 5 फेवरेट बुक्स बताऊंगा। एक और खास बात, जब से मैंने ये चैनल बनाया है तब से लेके आज तक मैंने कई सारे बुक के बारे में बताया और कई सारे बुक पर रिव्यू भी किया है, लेकिन इस वीडियो में मैं उन 5 बुक के बारे में बताऊंगा जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर कर चुका हूँ। तो एक तरीके से ये वीडियो पूरा समरी वीडियो है मेरे पूरे चैनल का, कि जितने भी बुक के बारे में मैंने अभी तक अपने चैनल पे बताया है उनमें ये 5 बुक सबसे बेस्ट हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बुक नंबर 1, बागी बलिया। बलिया बेसिकली एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, लेकिन स्टोरी बलिया के ऊपर नहीं है, उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर नहीं है, स्टोरी दो दोस्तों के ऊपर है, रफीक और संजय, और यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स के ऊपर है कि कैसे ये दोनों अपनी पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट करते हैं और इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स आने की वजह से कई बार इनके बीच में दरार भी आ जाती है, दोस्ती भी टूट जाती है, लेकिन इन सभी चीज़ों के अलावा जो मुझे इस बुक में सबसे ज़्यादा खास लगा वो है प्लॉटिंग ऑफ स्टोरी। जिस तरीके से सत्यव्यास ने अभी करंट सिनेरियो को, करंट सिचुएशन को मुगल और मराठा से लिंक करके हमें बताया है वो बहुत ही ऑसम है। इस बुक में एक से एक डायलॉग आपको मिलेगा, कॉमेडी सीन मिलेगा। फर्स्ट हाफ आपको इतना ज़्यादा कॉमेडी सीन मिलेगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा इमोशनल सीन भी है, थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम भी है। हालांकि ये सारा चीज़ को मिला के ओवरऑल ये बुक मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बुक है। तो अब तक अगर आप इस बुक को नहीं पढ़े हैं तो मुझे पढ़ के ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, मैंने इस बुक पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा और इंटरेस्ट जगेगा इस बुक को पढ़ने के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पढ़ के जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे पूरी बुक अच्छी लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कम्प्लीट बुक बहुत ही अच्छा लगा। आप मुझे पढ़ के लेकिन बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बुक नंबर 2, पटना ब्लूज बाय अब्दुल्ला खान। आरिफ नाम का लड़का जो पटना में अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है, उसका एक ही ड्रीम होता है कि मैं किसी भी तरह से यूपीएससी क्लियर करूँ और अपने फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करूँ। आरिफ अपने फैमिली में सबसे बड़ा लड़का होता है, जिस वजह से उस फैमिली की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरिफ पे भी आ जाती है। आरिफ के फादर की इतनी कुछ खास इनकम होती नहीं है, जिस वजह से आरिफ जगह जगह जाके कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी पढ़ाना स्टार्ट कर देता है कि थोड़ा सा इनकम उसके फैमिली में भी आए और उसका फैमिली थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल फाइनेंस के मामले में हो जाए। आरिफ अपने ड्रीम को पाने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा ही रहा होता है कि उसके लाइफ में एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब उसकी मुलाकात एक मैरिड वुमेन से हो जाती है, मैरिड हिंदू वुमेन से हो जाती है जिसका नाम सुमित्रा होता है। यहाँ से आरिफ अपने यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा है और एक बहुत ही यूनिक टाइप के रिलेशनशिप को भी मेंटेन कर रहा है। मुझे इस पूरे कंप्लीट बुक में इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही यूनिक लगी। जिस तरीके से अब्दुल्ला खान ने इन दोनों की केमिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है वो बहुत ही अच्छा है। तो एक ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे इस बुक में अच्छी लगी। और दूसरा ये कि आरिफ एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, और कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके पास इतना कुछ पैसा खास होता नहीं है कि वो एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाके अपनी प्रिपरेशन कर सके, जिस वजह से वो काफ़ी स्ट्रगल करता है, जगह जगह कोचिंग लेना स्टार्ट करता है कि कुछ पैसा वहाँ से आ जाए और तब जाके अपने प्रिपरेशन को मैनेज करता है। तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के का स्ट्रगल मुझे काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगा और काफ़ी ज़्यादा मैं इस चीज़ से कनेक्ट हुआ। तो ये एक दो ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खास इस बुक में लगी। तीसरी ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बुक मुझे तभी अच्छी लगेगी जब उसकी स्टोरी अच्छी होगी, उसका कैरेक्टर अच्छा होगा। तो अगर आपने अभी तक इस बुक को नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस बुक पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को, आपको थोड़ा सा और इंटरेस्ट जग जाएगा इस बुक को पढ़ने के लिए। बुक नंबर 3, द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामा। इस बुक के बारे में मैं बता के थक गया हूँ यार। ये इस बुक पे ये मेरी तीसरी वीडियो है जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि ये बुक बहुत ही अच्छी है, एक बार पढ़ो, सच बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी है। इस बुक में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना लव स्टोरी मिलेगी, ना ड्रामा मिलेगा, ना सस्पेंस मिलेगा, फिर भी आपको ये बुक एक नंबर लगेगा। इस बुक पे मैंने कंप्लीट वीडियो बहुत ही अच्छे से बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और इस बुक के बारे में थोड़ा सा और जानिए। इस बुक को मैंने बुक फॉर बिगनर्स में भी बताया था कि ये बुक में लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसी वजह से ये बुक और भी बहुत ही ज़्यादा खास है। तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और इस बुक के बारे में आप जानिए, और मैं आपको बोल रहा हूँ ये बुक बहुत अच्छी है, आप एक बार ज़रूर पढ़िए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी। बुक नंबर 4, ट्रेन टू पाकिस्तान बाय कुशवंत सिंह।
ऑथर का नाम ही काफी है बुक का स्टैंडर्ड बताने के लिए, क्योंकि कुशवंत सिंह एक ऐसे ऑथर रहे हुए हैं जिनको अपने नॉवेल के लिए कई सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। हालांकि मैं अगर स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम की है, कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक छोटा सा गांव होता है जिन्हें इतना कुछ खास पता होता नहीं है पार्टीशन को लेके, लेकिन वहां की चीजें तब बदलनी स्टार्ट हो जाती है जब वहां पे एक ट्रेन पूरा डेड बॉडीज के साथ आता है। वो गांव थोड़ी ही देर में पूरा बैटलफील्ड बन जाता है। इस बुक के लास्ट पेज में एक बहुत ही खूबसूरत सा थॉट कुशवंत सिंह ने लिखा है कि दोनों साइड में दंगे फसाद हुए, दोनों साइड में मर्डर हुए, दोनों साइड में रेप्स हुए। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक ज्यादा हुआ कोई ऐसा कम हुआ। तो ये एक इस टाइप की बुक है जो आपको एक डिफरेंट माइंडसेट पे ले जाएगी और आपको बताएगी कि कैसे उस टाइम पे कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ था इस पार्टीशन को लेके। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी। ऑब्वियसली पढ़ने के बाद अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी। बुक नंबर 5, ऑपरेशन डीप स्ट्राइक। ऑपरेशन डीप स्ट्राइक एक ऐसा बुक है जो हमारे इंडियन आर्मी इंडियन स्पाइस के ऊपर बेस्ड है। हम सबको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडियन आर्मी और इंडियन स्पाइस का क्या स्टैंडर्ड रहा है। हम कई सारे स्टोरीज बॉलीवुड के थ्रू भी देखे हैं और कई सारे स्टोरीज सुने भी हैं। तो एक ऐसे ही मिशन की स्टोरी इस बुक में बताई गई है कि एक बावर मिसाइल रहता है पाकिस्तान में, उसे जाके डिफ्यूज करना रहता है। इस बुक में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है इस बुक की डिटेलिंग। इसमें बिल्कुल भी हवाबाजी नहीं है इस बुक में कि एक आदमी गया पाकिस्तान में सब कुछ तोड़ फोड़ करके उस मिशन को सक्सेसफुल करके वापस इंडिया आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक डिटेल इसमें पार्ट बाय पार्ट बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे ये लोग मिशन को सक्सेसफुल करते हैं और मिशन फेलियर होने के बाद इन लोगों को क्या चीज़ नुकसान सहना पड़ता है। कई बार ये लोग अपने फ्रेंड्स को जो उनके पार्टनर्स होते हैं उन्हें भी खोना पड़ता है। तो ये सारी जो डिटेलिंग है ये मुझे इस बुक में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। बुक की स्टोरी के बारे में अगर आपको जानना है तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कीजिए। इस बुक पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर जाके इसकी स्टोरी समझ सकते हैं। लेकिन अच्छी लगने वाली चीज़ें इस बुक में वो तो एक पहली बात की जो डिटेलिंग की गई है, और दूसरी कि एक मोटिवेशन टाइप का आप चीज़ समझ लो कि कैसे इंडियन आर्मी कैसे इंडियन स्पाय उन चीज़ों को मैनेज करते हैं। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें इस बुक में बताया गया है कि कई बार ये लोग मरते मरते बचे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको इंडियन आर्मी पे इंडियन स्पाइज पे और ज़्यादा प्राउड फील कराएगी। आई एम नॉट श्योर कि ये बुक की जो भी मिशन है वो रियल है या नहीं, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये थे वो 5 फेवरेट बुक्स मेरे जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर कर चुका हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इन 5 में से सबसे ज़्यादा बुक कौन सा पसंद है। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।